विष्णु क्लब सिरसा की तरफ से आज एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के प्रधान अजय एलावादी ने यह बताया कि इस बार किस तरह से दशहरा मनाया जाएगा और रामलीला में क्या फेरबदल किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों के पुतले लगाकर जलाए जाएंगे और शोभा यात्रा में विशेष पूना से रथ मंगवाया गया है, जैसा सिरसा में पहले कभी नहीं आया। साथ ही उन्होंने बताया कि विष्णु क्लब रामलीला को इस बार ट्रस्ट का रूप दे दिया गया है। साल का जो बिल्कुल विशेष कार्यक्रम होंगे, एक तो रामलीला बड़े ही भव्य रूप के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें कुछ कलाकार हमने चेंज भी किए हैं, लेकिन सभी कलाकार हैं स्थानीय, कोई भी कलाकार बाहर से नहीं मंगाया हुआ, टोटल अपने ही बच्चे हैं, यहीं के सिरसा के वासी हैं। और दूसरा था दशहरा का महोत्सव, पहली बार अपने सिरसा में जो पहले कहते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े होंगे, लेकिन वहाँ दो ही होते हैं, लेकिन पहली बार अपने सिरसा शहर में तीनों पुतले खड़े करेंगे, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। हाइट जो रावण की हाइट है वो तकरीबन 80 फुट के आसपास, और जो कुंभकर्ण है वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि कुंभकर्ण का शरीर वास्तविक में भी विशालकाय था, उसकी 85 फुट, मेघनाथ 75 फुट। रावण की खासियत उसका मुंह पूरी तरह हिलेगा और आँखें भी खुलेंगी, और जो मेघनाथ है उनका जो सिर है लगभग 70 फुट के ऊपर जाके 16 फुट का सिर है जो हमने बनवाया है, वो आतिशबाजी के माध्यम से मतलब पूरी तरह गोल घूमेगा ऊपर से। मेरा चित्रगढ़ पट्टी बाईपास रोड, जहाँ पहले भी बनाते हैं रामलीला जी, सूरतगढ़िया चौक जो हमारे पास जगह अवेलेबल है जो होती है, बस इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, पहले 55 और 60 के बीच में होते हैं, अब इसकी हाइट 80 फुट के आसपास आ जाएगी। शुभराम भद्रमादरणीय मक्खनलाल जी सिंगला जो अपने विधायक हैं सिरसा के, रावण दहन चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जो शोभा यात्रा को पूरा मतलब सिरसा इतना साथ देता है अपना, उसको देखते हुए शोभा यात्रा के लिए जो रथ मंगाया गया है वो कानपुर से मंगाया गया है, पूना से। उसमें आगे वो घोड़े और पूरी रथ टाइप में है, पूरा जैसे चांदी का होता है, सिरसा में कभी किसी शोभा यात्रा में नहीं लगा हो। शोभा यात्रा 8 तारीख को 1 बजे श्री विष्णु क्लब रामलीला कमेटी के मंच से निकलेगी। रामलीला 9 बजे हमारी बिल्कुल यही उम्मीद है कि 9 बजे हमारा हालत हमें शुरू करें, लेकिन पहले दिन लेट होते हैं, 29 तारीख से शुरू है, 29 से 9 तारीख तक, 8 तारीख को दशहरा महोत्सव मनोरंजन के लिए है, उसके लिए मुंबई से सारिका, हाँ उनसे भी बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल ही नहीं है, लेकिन 99% वो आएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सर हम SP ऑफिस में भी जा चुके हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन ने कि आपको पूरी हम 1-2 जिप्सी देंगे बाहर, उसके अलावा भी देंगे, उसके अलावा हमारे वॉलेंटियर्स होंगे। इस वर्ष श्री विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट बनवाया गया उसको, हाँ।